हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, आज किस तरह से मूव किया और साथ ही साथ कल एक्सपायरी का डे है, वीकली एक्सपायरी किस तरह से एक्सपायरी कर सकता है मार्केट, जीरो जीरो कॉलम में मिलेगा नहीं मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी नॉलेजेस मिलेंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब गाइस तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स एनालाइज, ब्लू में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलते हैं। अगर आप चाहो तो हमारे लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलिए अभी चीज़ों को समझते हैं और सबसे पहले हम निफ्टी में आएंगे। निफ्टी अगर आप देख पाओगे तो आज शानदार रहा हमारे लिए। निफ्टी ओपन होता है यहाँ पे कहीं, अगर आप देखोगे तो 9:15 का कैंडल है ये कैंडल, और एक बड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है यहाँ पे, आप देखोगे तो बड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। उसके बाद मार्केट ऊपर कहीं जाता है, इसको रिटेस्ट करता है दोबारा से। यहाँ पे जब रिटेस्ट होता है तो 11:30 बजे के अराउंड हम इसको शॉर्ट करते हैं और काफ़ी शानदार हमें प्रॉफिट मिलता है। 20 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस होता है। अगर आपने इस ट्रेंड में प्रॉफिट बुक किया था निफ्टी में मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में तो जरूर कमेंट करके नीचे बताइएगा, और कितने का प्रॉफिट हुआ था ये जरूर बताइएगा। इससे मैं भी मोटिवेटेड होता रहता हूँ और साथ में अदर व्यूवर्स जो है वो भी मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ मज़ा आ रहा है। तो अभी अगर देखेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा खासा गिरावट मिला, यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, हमने पुट लिया था। उसके बाद सेकंड हाफ में मैं चला गया था, उसके बाद मार्केट एक ऊपर की तरफ ही गया और ट्रेंडी मार्केट हो गया। बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, बैंक निफ्टी में जैसा कि मैं कह रखा था ऊपर 36,200 मैं बार बार गलती कर रहा हूँ 36,200 और बिलो अगर मैं बात करूँ तो 35,980 के अराउंड का लेवल मैंने बता रखा था। मार्केट उसके नीचे ओपन होता है और उसके बाद मार्केट नीचे तीन बड़े बड़े कैंडल के साथ नीचे जाता है। हमें मौका बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने इसमें ट्रेड लिया था, बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, एकदम फटाफट से ही मार्केट में गिरावट आ जाता है। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा आता है लेकिन हम इसमें कोई भी काम नहीं करते। बैंक निफ्टी में सारा दिन मार्केट ऊपर नीचे करके रेंज बाउंड करके क्लोज करता है। एक छोटे से रेंज में बैंक निफ्टी ने कामकाज की दिखाया आज। और साथ ही साथ अगर आप बात करोगे तो कल हमने टाटा मोटर में एक ट्रेड लिया था, दिया था आप लोगों को, और टाटा मोटर शानदार रहा। अगर मैंने बात करूँ मैं 302 रुपये के आसपास, 303 रुपये के आसपास मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए बताया था आपको, और 295 तक के लेवल आ गए। तो कौन से स्टॉक्स में आपने प्रॉफिट बनाए हैं जरूर कमेंट कीजिए। और भी कई सारे स्टॉक्स थे, अभी मैं सारा डिस्कस नहीं करूंगा कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, मेरा कोई कहीं मैं आया हुआ हूं, मैं एक्चुअली बाहर से ही शूट कर रहा हूं और इसकी वजह से वॉइस भी आपको थोड़ा सा अलग रख रहा होगा, डायरेक्टली लैपटॉप से मैं शूट कर रहा हूं, माइक वगैरह कुछ नहीं है मेरे पे। तो यहां पे अगर मैं देखूं और कल हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी के पास एक बहुत बड़ा रेंज है। कौन सा रेंज है, 36,200 और नीचे 35,600। इतना बड़ा सा रेंज होते हुए बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाएगा, एक शानदार वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। तो भाई प्रीमियम भी डीके ज़्यादा करेगा, ध्यान से ट्रेड लेना आप लोग। मैं शायद से लाइव में ना रहूं और अगर आऊँगा तो थोड़े देर के लिए आऊँगा। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस एक्शन बना के बाजार जो है इस रेंज के नीचे कहीं ना कहीं सस्टेन किया है तो, और लास्ट में ऊपर जाता हुआ हमें मिला। अगर एक बार बैंक निफ्टी 35,980 के अबव सस्टेन करता है, यानी कि 36,000 के घर में घुसने की कोशिश करता है, तो शायद से 200 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। और सेम वही अगर बैंक निफ्टी एक बार 35,600 के बिलो सस्टेन करता है तो यहाँ से अच्छा खासा हमें गिरावट, एक फ्रेश डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इसके ऊपर खुलता है तो एक बार आप देखिएगा, जो कि 36,000 का लेवल है उसके ऊपर खुलता है और ऊपर सस्टेन करता है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के नीचे आता है तो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिवर्सल ट्रेड बन सकते हैं, और रिवर्सल ट्रेड बनेगा तो आप उसमें भी ट्रेड लीजिएगा। जीरो हीरो के लिए कुछ आपको हिदायतें दे रहा हूँ भाई, बैंक निफ्टी में हीरो हीरो अगर आप कर रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि 2 बजे के बाद करें, जब टाइम डीके प्रीमियम एकदम डीके हो जाए, सस्ते प्रीमियम हो जाए। और कोशिश कीजिएगा जितना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, आप जितना रिस्क ले सकते हो उतने में ही काम कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप सारा पैसा अपना गवा दे इसी ट्रेड में, राइट, सारा पैसा अपना आप गवा दे। तो ध्यान में रख के आप ट्रेड लीजिएगा जो भी ट्रेड आपको लेने का मन करेगा निफ्टी में या बैंक निफ्टी में जीरो हीरो में। अभी स्टॉक्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। स्टॉक्स आपके सामने यहाँ पे एक मैंने लगा रखा है, हिंडाल्को में देख रहा था मैं। हिंडाल्को में अगर हम देखेंगे क्या हिंडाल्को ने में क्या पैटर्न है तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट करूँगा इसको और इसको थोड़ा सा बंद कर दूंगा। तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट बीच में काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया। अगर मैं यहाँ से एक रेंज उठाऊँ, हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनाऊँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए इस लेवल को अगर मैं देखूँ, इस लेवल को तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रुक रहा है। नीचे इसका ब्रेकडाउन भी किया था, फिर दोबारा से ऊपर चला गया, अभी फिर से इसको ब्रेकडाउन करने आ रहा है। तो एक बार हम कोशिश करेंगे, अगर इसको ब्रेकडाउन दोबारा से करता है जो कि 433 का लेवल है, 433 के बिलो शॉर्ट करने चाहेंगे
स्टॉप लॉस वही 3 से 4 रुपए का आपका होगा और टारगेट 1:2 का लिख सकते हो आप। और अगर बाइंग का हम सिनेरियो देखेंगे तो हमें कम से कम नहीं तो इसके ऊपर सस्टेन करना है जो कि होगा 444 का। 444 के अब हिंडालको का बाय करेंगे सेम 3 रुपए का एसएल के साथ 1:2 का हम टारगेट ले सकते हैं। अभी कौन से स्टॉक्स और चल सकते हैं ब्रिटानिया में देखेंगे। ब्रिटानिया में अगर बात करें तो अच्छा काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंडिंग बनाया, ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाया। इस लेवल को हमने बना रखा था बहुत पहले से और इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया एकदम शानदार हमें तेजी देखने को मिली। और एक सेकंड भाई ये चार्जर मेरा बार बार हिल रहा है, हाँ लाइट लग गया। अगर अभी देखेंगे हम ब्रिटानिया में क्या है, ब्रिटानिया ऊपर के लेवल पे यहाँ पे रुका है। अगर हम देखेंगे इस लेवल पे तो एक बार अगर इसके ऊपर डबल टॉप फॉर्मेट की फॉर्मेशन किया हुआ है, एम बना रहा है, तो अगर एक बार इसके ऊपर निकलता है जो कि 3704 है, 3704 के अब हम बाइंग करना चाहेंगे और हमारा टारगेट जो होगा वो कम से कम नहीं तो स्टॉप लॉस में बताया था टारगेट अपने आप से लगा लेना। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो बिलो 3673 का होगा, 3673 के बिलो का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमारा 1:1 और 1:2 का आप देख सकते हो। टाटा स्टील में देखेंगे, टाटा स्टील 1500 के ऊपर क्लोज किया है, कहीं ना कहीं अच्छा लेवल है और फिर से हमें टाटा स्टील में ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर टाटा स्टील एक बार 1530 के अबव रुकता है तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। शॉर्ट करने के लिए हमें 1480 के लेवल का वेट करना पड़ेगा। 1480 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम शॉर्ट करेंगे, 1480 के नीचे सस्टेन करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, हाँ बिल्कुल राइट। अभी अगर एक स्टॉक में और आपको बताऊंगा जो है हमारा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में आज भी बहुत शानदार देखिए तेजी रहा, मार्केट नीचे आया फिर दोबारा से ऊपर की तरफ चला गया, कोई भी लेवल हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कल हमारे पास छोटा सा लेवल है, कौन सा लेवल है, कल 6435 के ऊपर बाइंग के साइड में जाएंगे, 6435 राइट, 6435 के ऊपर बाइंग में जाएंगे और स्टॉप लॉस हमारा अप्रॉक्स अप्रॉक्स 40 पॉइंट का रहेगा। ध्यान से समझ लीजिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हम इसको बाइंग की बातें कर रहे हैं। स्टॉक देखिए लगातार अप ट्रेंड में है, लगातार अप ट्रेंड में है स्टॉक, और एक बार अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि यहाँ पे बन रहा है ये वाला लेवल है ना, मैं 30 का लेवल आपको बोल रहा हूँ, 25 का लेवल है वो, 25 से 30 के लेवल को ब्रेक करता है चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये वाला हाई भी ब्रेक करेगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, मार्केट लगातार नीचे आया था फिर लगातार कंसोलिडेट किया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो जरूर अगर एक बार इसको प्राइस एक्शन बनाया है, एक बार इसको ब्रेक करता है तो एक शानदार तेजी हमें देखने को मिल सकती है। एक और स्टॉक होगा हमारा इंफोसिस, बहुत अच्छा शानदार तेजी मिला है इसमें। अगर आपको मैं 1 आवर की कैंडल पे दिखाऊंगा तो आप कुछ समझ पाओगे इसमें, है ना। 1 आवर की कैंडल पे आप देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट, पहले नीचे से आया, नीचे से लगातार ऊपर चल रहा था, यहाँ पे बीच में कंसोलिडेट किया फिर उसके बाद ऊपर में कंसोलिडेट किया। अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट ऊपर निकला है और यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन रोक के फिर ऊपर निकला है। अभी चांसेस है एक बार इसको यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, लेकिन अगर ये अपने हाई को ब्रेक करके 1750 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है 1750 के ऊपर बहुत बढ़िया तेजी बन सकती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है 1720 के नीचे। 1720 के नीचे अगर टिकता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग हम छोटा सा देख पाते हैं जो कि हमारे टारगेट हमें 1680 तक के भी दिखा देगा। तो ध्यान में रखिएगा 1680 तक के टारगेट के लिए एक बार 1720 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से लगाइएगा, अगर मैं जो बता रहा हूँ वो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में फिट नहीं आता है तो आप इग्नोर कीजिएगा। और वैसे भी हमारा जो वीडियो है ये पूरा का पूरा प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहाँ पे हम कोई भी बाइंग एंड सेलिंग का आपको सजेशन नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ लेवल्स को चेक कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, सीख सकते हैं कि किस तरह से हम लेवल्स निकाल रहे हैं। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।